कपकोट में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया है। कार्यकर्त्रियों ने कहा कि प्रदेश सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के आंदोलन को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने भी समर्थन देते हुए सरकार से उनकी समस्याओं का निदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो कांग्रेस भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ आंदोलन में भागीदारी करेगी। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मातृशक्ति सड़कों पे आ गई है और सुध नहीं ले रही है सरकार। अगर मातृशक्ति ही सड़क पे आ जाएगी तो औरों का क्या होगा? हमारा सरकार इतना शोषण कर रही है कि हमें कुछ कहना नहीं आ रहा। वो हम मानदेय के लिए कितने कितने कार्यक्रमों के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी हमारी सुध नहीं ले रही है। हमें एक मोबाइल दिया गया है जहाँ पे हम रोज उपस्थित भेजते हैं और कार्यक्रम भेजते हैं। सरकार ये नहीं देख रही है कि कहाँ पे नेटवर्क नहीं है और कहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो वो कार्यकर्ता अपना काम कैसे करेगी? फिर हमें ऊपर से ये शोषण किया जा रहा है कि जहाँ पे नेटवर्क है वहाँ पे आके अपनी उपस्थित भेजो, तभी तुम्हारा मानदेय बनेगा। मानदेय तो हमारा इतना है कि हमें खुद कहने में भी शर्म आ रही है। सरकार हमारा बार बार ऐसा शोषण क्यों कर रही है? हम कई बार धरने पर बैठ चुके हैं, फिर भी सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। सरकार इस बारे में कभी नहीं सोच रही है। हमें न TADA दिया जा रहा है, हमें कभी भी कोई भी फोन करके बुला लेता है। अगर हम यहाँ ट्रेनिंग में आएंगे तो हमें एक समोसा पकड़ा के ये कहा जाता है कि TADA तुम्हारा मिल गया है। कि क्या हम एक समोसे के लायक हैं? क्या दूसरी बात, हमें एक ड्रेस दी गई है 1600 रुपए की, 800 रुपए कार्यकर्ती, 800 रुपए सहायिकाओं की। ऐसी ड्रेस दी गई कि उसको पहने में, अगर हम खुद पहने में हमें शर्म आ रही, तो वो क्यों नहीं पहन रहे? जिन्होंने वो ड्रेस हमें उपलब्ध कर रहे हैं वो पहन के देखे ना, वो ड्रेस कैसी है, कितनी इज्जतदार है करके। उससे पहले एक ड्रेस दे रखी थी, धूप में ऐसा छाता का कपड़ा दिया था, धूप में ऐसा लगता था हमने जैसे कि सूख गए हैं। ठंडी के मौसम में ऐसा पहने तो जैसे हम सिकुड़ गए हैं। ऐसी ड्रेस के हम इसी लायक हैं? हम गांव से लेकर अपने गांव का पूरा काम, गर्भवती से लेकर पूरे गांव का, अपने गांव का रखते हैं, बच्चों को देखते हैं, वजन लेते हैं। अगर कोई कुपोषण आ गया तो उसको सुपोषण बनाने का हमारा काम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के तत्वाधान में आज तहसील सभागार में यहाँ कपकोट में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी की सभी बहनों ने यहाँ आंदोलन में अपनी शिरकत करी है। दूर दराज के क्षेत्रों से सभी यहाँ पर को पहुँचे हैं। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि नारी जो हमारी कार्यकर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के तौर पर जो बहनें काम कर रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका प्रताड़न किया जा रहा है। जो उनकी मांगे हैं उन मांगों पर सरकारों के द्वारा कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। आज अपने मानदेय में 7,500 रुपये जो मानदेय इनको दिया जा रहा है, इनसे हेल्थ कार्ड से लेके BLO का काम से लेके अपने केंद्र को संचालित करने से लेकर सारे कार्यों को किया जा रहा है, उसके बावजूद मानदेय के नाम पर सरकार इनको हमेशा की तरह गुमराह इनको कर रही है। कभी गेंद केंद्र के पाले में फेंकती है, कभी केंद्र राज्य के पाले में फेंकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो उत्पीड़न इनका किया जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके आंदोलन को पूर्ण रूप से भागीदारी और समर्थन किया जाएगा। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, सरकारों ने जिस तरीके से अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान कर सकते हैं, तो क्या एक जो हमारे निम्न लास्ट जो श्रेणी में हमारे जो बच्चों का, जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं या जो हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, हमारे BLO का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संशोधन नहीं हो सकता? आज आपने विधायकों की तनख्वाह 3-3 लाख रुपए कर दी, 2-2 लाख रुपए आपने विधायकों की तनख्वाह कर दी, अपने विभिन्न पदों में आसीन लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी है, तो क्या 7,500 रुपये क्या सरकार को पर्याप्त लगता है? आज देखिए आप मनरेगा से वंचित हैं, अन्य जो सरकारी लाभ हैं उनसे वंचित हैं, तो या तो अन्य लाभों को दिया जाए। और इसमें घोर जो ये भ्रष्टाचार की बू इसमें जो आ रही है, आपने जो मोबाइल सेट दिए हुए हैं, आज मोबाइल सेटों में आप कहते हैं कि आप इतने जो जहां नेटवर्किंग या टावर की हमारी समस्या है वहां पर को आप लोग कहने को राजी नहीं है कि आज बदियाकोट, बोरबल्ला, भराकांटे या हमारे अन्य जनपदों में, खुद कपकोट में, कपकोट जैसी जगह पे जब दूर संचार की सुविधा प्रॉपर रूप से उपलब्ध नहीं है, तो आप कैसे रखेंगे कि बदियाकोट या बोरबड़ला की बहन हमारी जो है आके, या गोगिना कीमू की से आके हमारी बहन जो है यहाँ पर को नेटवर्क पे आके आपका वो करेंगे? आंगनबाड़ी
सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।